अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन सितंबर 2020। 2020 में आपको बहुत सारे मिड रेंज फ़ोन मिले, एंट्री लेवल मिले, फ्लैगशिप में मिले, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में बहुत सारी अपकमिंग डिवाइसेज आने वाली हैं। आपको एंट्री लेवल की भी मिलेंगी, आपको बजट रेंज में मिलेंगी एंड आपको कुछ जो है वो फ्लैगशिप भी मिलेंगी। लाइक आपको डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से काफ़ी सारे फ़ोन मिलेंगे। इसमें इन्फिनिक्स है, इसमें टेक्नो है, उसमें ओप्पो है, उसमें रियलमी है, तो इस तरह की बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको मिलेंगे। आज मैंने कुछ डिवाइसेज जो हैं वो शॉर्टलिस्ट की हैं जो कि होपफुली सितंबर में लॉन्च होने जा रही हैं। इसके थोड़ी बहुत स्पेक्स मैं आपको बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगी क्योंकि डिवाइसेज काफ़ी सारी हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हमने टू द पॉइंट बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी के अपकमिंग फ़ोन के ऊपर जो कि है रियलमी 7 सीरीज़। आपको पता ही है कि रियलमी 6 जो है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, इसके बाद अब जो है वो रियलमी 7 सीरीज़ है। रियलमी 7 के हवाले से ये बताती चलूँ कि ये जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सितंबर में ही लॉन्च होगी, लेकिन जो चिपसेट इसमें यूज़ किया जाएगा वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G होगा। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि रियलमी 7 सीरीज़ में थोड़ा अच्छा चिपसेट जो है वो दिया जाएगा। ये नहीं है कि 720G जो है वो अच्छा चिपसेट नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि रियलमी जो है वो चिपसेट और प्राइस के हवाले से भी थोड़ा सा शिकायत होती है लोगों को इसके साथ चिपसेट के हवाले से भी। तो रियलमी 7 आपको दो वेरियंट्स में मिलेगा, 8GB ऑफ रैम, 6GB ऑफ रैम एंड 128 स्टोरेज के साथ। एंड इसके साथ इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा लेंस इसका 64 मेगापिक्सल का होगा। प्राइस के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये किस प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, लेकिन ऑलरेडी जो लोग रियलमी के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक ये बात बता दूँ कि रियलमी का C3 एंड रियलमी 5 आए काफ़ी सक्सेसफुल फ़ोन था। लाइक बजट रेंज में रियलमी ने बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च किए। ऑल्दो रियलमी C11, रियलमी C12 में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जो कि रियलमी C3 में नज़र आई थी। मैं सोच रही थी कि रियलमी अब जो है बिल्कुल गेम को चेंज कर देगा रियलमी C3 के बाद, लेकिन खैर अब देखते हैं कि रियलमी 7 को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अब हम बात करेंगे टेक्नो के फ़ोन के हवाले से। लास्ट वीक मैंने टेक्नो स्पार्क 6 के कुछ रूमर्स एंड लीक्स आपसे शेयर किए थे, तो सितंबर में टेक्नो स्पार्क 6 भी एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में होपफुली के लॉन्च किया जाए। टेक्नो स्पार्क 6 जो है वो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस होने वाली है और बहुत अच्छी प्राइस कैटेगरी में लॉन्च किया जाता है, अच्छे स्पेक्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ कि टेक्नो ने भी इन्फिनिक्स को देखते हुए अब की बार गेमिंग प्रोसेसर की तरफ थोड़ा आ गया है लाइक बजट रेंज में। तो टेक्नो स्पार्क 6 में आपको मिलेगा मीडियाटेक हेलियो G70 जो कि इन्फिनिक्स के नोट 7 जो कि बहुत सक्सेसफुल डिवाइस थी उसमें भी आपको दिया गया था, क्योंकि इन्फिनिक्स ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है इन्फिनिक्स नोट 7 के लॉन्च करने के बाद के बजट रेंज में आपको इतना अच्छा प्रोसेसर कोई नहीं दे सकता। लेकिन अब कंपनीज फॉलो कर रही हैं तो टेक्नो स्पार्क 6 में आपको दिया जाएगा मीडियाटेक हेलियो G70। तो ये जिस प्राइस टैग में लॉन्च किया जाएगा जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 22K। तो देखते हैं कि टेक्नो स्पार्क 6 किस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च किया जाता है और ये डिवाइस कब तक लॉन्च की जाती है। तो आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने लीक्स एंड रूमर्स शेयर किए हैं, तो आपको मज़ीद स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के रिलेटेड, इन्फिनिक्स हॉट 10। इन्फिनिक्स की जो हॉट सीरीज़ है ये रीजनेबल डिवाइसेज होती हैं, अफोर्डेबल बजट रेंज में लॉन्च की जाती हैं। तो इन्फिनिक्स हॉट 9 को तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्फिनिक्स हॉट 10 जो है वो एक अच्छा फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो चिपसेट दिया गया है अब की बार वही सेम जो कि इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको दिया गया था, मीडियाटेक हेलियो G70। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये फ़ोन काफ़ी हिट होने वाला है। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 की जो प्राइस है वो अराउंड 23K होगी एंड इसमें आपको रैम एंड रोम का जो कॉम्बो मिल रहा है, 4GB ऑफ रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा लेंस इसमें 48 मेगापिक्सल का होगा। तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ और अच्छी प्राइस कैटेगरी में इसको लॉन्च किया जाएगा, तो देखते हैं कि क्या प्राइस होने वाली है इसकी। इसके साथ इन्फिनिक्स एक और फ़ोन भी लॉन्च करेगा जो कि है इन्फिनिक्स 08। अगर आपको याद हो तो इन्फिनिक्स की 0 सीरीज स्टार्ट हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम से हम नहीं देख रहे थे 0 सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पर हमने एकदम देखा कि इन्फिनिक्स 08 के कुछ लीक्स आ रहे हैं और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये आपको मिलेगी अराउंड 40K तक एंड इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक हेलियो G90T। अगेन बहुत अच्छा चिपसेट इसमें दिया गया है, तो इन्फिनिक्स की क्या ही बात है, एक ट्रेंड सेट कर दिया है। और इसके साथ इसमें आपको 8GB ऑफ रैम, 128GB का कॉम्बो मिलेगा। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा लेंस इसका 64 मेगापिक्सल का होगा। तो देखते हैं इन्फिनिक्स 08 को क्या रिस्पॉन्स मिलता है।
अब है हमारे पास ओप्पो के कुछ फ़ोन्स, तो ओप्पो एफ़ सेवनटीन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिसकी प्राइस होगी वो अराउंड 55K, क्योंकि ओप्पो की जो एफ़ सीरीज़ है इसकी यही प्राइसेज होती हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ मुझे ओप्पो से एक शिकायत है कि ओप्पो जो है चिपसेट पर काम नहीं कर रहा। लाइक ओप्पो एफ़ सेवनटीन में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 662 का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इससे ज़्यादा चिपसेट दिया जाएगा। और यहाँ पर कैमरा भी बहुत कम दिया गया है। क्वाड कैमरा सेटअप तो आपको दिया गया है, लेकिन मेन कैमरा लेंस 16 मेगापिक्सल का है। और इसके साथ इसमें आपको जो कॉम्बो मिलेगा वो 6GB ऑफ रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा चेंज मिलेगा, इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओप्पो एफ 17 जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। अब हो सकता है कि मिड ऑफ सितंबर लॉन्च किया जाए या एंड ऑफ सितंबर, कंफर्म डेट मुझे नहीं पता। इसके साथ ओप्पो का एक और फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है, रेनो सीरीज़ को बढ़ाते हुए रेनो 4 को ऐड किया गया है। रेनो 3 से आप वाकिफ़ ही होंगे। तो ये ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइसेस में आती है। इसकी जो प्राइस है अराउंड 80K एक्सपेक्ट की जा रही है, यही आपको मिलेगी। एंड इसमें भी आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन दी जाएगी, लेकिन इसमें चिपसेट जो है वो उस हिसाब से नहीं है। लाइक अगर आप प्राइस को देखें, 80,000 में अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है, तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट दिया जाएगा। तो चिपसेट के हवाले से पता नहीं ओप्पो क्यों इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा। खैर, यहाँ पर आपको जो कॉम्बो मिलेगा वो 8GB ऑफ रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। एंड इसके साथ यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा ओप्पो रेनो 4 में। मेन कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का होगा, बाकी इसमें 30 वॉट का सुपर चार्ज भी मौजूद होगा, जो कि हमेशा से ही होता है ओप्पो के डिवाइसेस में। तो देखते हैं कि ओप्पो रेनो 4 को क्या रिस्पांस मिलता है पाकिस्तान में। तो ओप्पो के मिड रेंज एंड फ्लैगशिप फोन की बात हो गई, अब ओप्पो का बजट फोन भी है जो कि एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो A53 जो कि एक बजट फोन होगा, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट। इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि एक थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको जो कॉम्बो मिलेगा 6GB रैम एंड 4GB वाला वेरियंट। एंड इसमें आपको मिलेगी जो स्टोरेज 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। ओके, तो अब वीवो के भी कुछ फ़ोन हैं, क्योंकि वीवो ने सोचा हम क्यों पीछे रहें। तो यहाँ पर वीवो का एक और फ़ोन आपको मिलेगा सितंबर में, वीवो Y20। अराउंड 30,000 तक की इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। इसमें आपको जो चिपसेट मिलेगा वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट मिलेगा, क्योंकि एक बजट फ़ोन है। तो बजट फ़ोन के लिहाज से प्राइस एंड इसका चिपसेट का आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको 4GB ऑफ रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि मेन कैमरा लेंस इसमें 13 मेगापिक्सल मिलेगा। तो ओप्पो A53 जो कि मैंने बिल्कुल अभी जो है आपसे डिस्कस की है, एंड वीवो Y20 ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स है, लाइक चिपसेट भी एंड इसके साथ कैमरा भी। तो खैर, जब देखेंगे कि वीवो का जब ये फ़ोन आएगा तो ये किस तरह होगा, अनबॉक्सिंग हम ज़रूर करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे। लेकिन वीवो का एक और फ्लैगशिप फ़ोन है जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ, वीवो X50, जो कि इंडिया में तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये लॉन्च हो चुका है वीवो X50। ये एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा, इसमें आपको जो चिपसेट मिलेगा वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G का। इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 8GB ऑफ रैम, 8GB ऑफ रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें आपको कैमरा सेटअप जो मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा लेंस 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो वीवो X50 भी एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में आ जाएगा। तो ये वो फ़ोन थे जो कि सितंबर में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे फ़ोन्स का आपको भी वेट होगा, मुझे जो है वीवो X50, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में जल्द है, एंड टेक्नो स्पार्क 6 का मैं वेट कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको किस फ़ोन का इंतज़ार है और आप कौन से ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।